Welcome to my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे आई एम शेयरिंग विद यू ऑल चिकन टेंपुरा रेसिपी जो कि मैंने ऑन रिक्वेस्ट बनाई है। सो लेट्स कम टू द रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हाफ ब्रेस्ट पीस चिकन का लिया है जो कि तकरीबन 250 ग्राम्स के इक्वल था। इसको हम इस तरह से स्ट्रिप्स फॉर्म में कट कर लेंगे। ठीक है जी, ये थिकनेस और लेंथ आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा थिन होनी चाहिए। ठीक है जी, एग्जैक्ट ये जो है वो साइज़ होना चाहिए। अगर बहुत थिन होगी ना तो उससे जो चिकन है वो टेंडर नहीं बनेगा। उसके बाद इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, लहसुन पाउडर, विनीगर एंड सोया सॉस, दैट्स इट, ये इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15 to 20 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट दे देंगे। इसमें जो स्पाइसेस हैं वो बहुत लाइट सी ऐड होती हैं, यानी कि ये स्पाइसी नहीं होता, बहुत लाइट सा इसका फ्लेवर होता है। आप इसको टी पार्टीज में भी बना सकते हैं और किड्स को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। किड्स विल डेफिनेटली लव इट, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें लाइक नहीं करते, लाइट लाइट सी चीज़ लाइक करते हैं। तो ये लाइट लाइट से बनते हैं और बहुत मज़ेदार लगते हैं। उसके बाद अब हम इसकी कोटिंग प्रिपेयर कर लेंगे। तो कोटिंग प्रिपेयर करने के लिए एक बाउल में ऑल पर्पज़ फ्लावर, कॉर्न फ्लावर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर पाउडर एंड लहसुन पाउडर, दैट्स इट। ठीक है जी, वही सेम जो स्पाइसेस के इंग्रेडिएंट्स थे वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम 1 egg ऐड करेंगे और साथ में हम इसके अंदर कोल्ड वाटर ऐड करेंगे। कोल्ड वाटर ही आपको ऐड करना है, आपको नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर ऐड नहीं करना, कोल्ड ठंडा पानी आपको ऐड करना है। ठीक है जी, इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप नोट कर सकते हैं, ना बहुत थिक है ना बहुत रनी है, इस तरह इसकी जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और ये बिल्कुल परफेक्ट रही थी। इसके बाद जो है वो इसके अंदर हम सोडा ऐड करेंगे, जो घर का रेगुलर सोडा होता है जिसको हम नॉर्मली मीठा सोडा भी बोलते हैं, वही आपको ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट दे देंगे। मीठा सोडा ऐड करने से क्या होता है कि कोटिंग इसकी क्रिस्पी बनती है और फ्लफ़ी सी बनती है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था और मैं मैरिनेट हुई एक एक चिकन स्ट्रिप्स लेती जा रही थी और उसको इसके अंदर इस तरह से कोट करके तो फ्राई करती जा रही थी। ठीक है जी, हर चीज़ जो इसमें स्पाइस लेवल था वो बिल्कुल जितना मैंने ऐड किया उतना बिल्कुल ठीक था। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग हर चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल में ऐड करने के बाद इसको एकदम हिलाना नहीं है, अगर हम इसको एकदम हिलाएंगे तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। जब आपको नज़र आएगा कि इसकी कोटिंग स्टिक हो गई है तो फिर आप इसको हिला सकते हैं, इसकी साइड्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। और इसको जो है ना कलर बहुत ज़्यादा ब्राउनिश नहीं देते, लाइट सा इसको, गोल्डन सा सिर्फ इसको कलर देते हैं इसकी कोटिंग को। ठीक है जी, इसको आप मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि जो है वो चिकन भी अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। एंड नाउ यू कैन सी कि इसको बहुत प्यार सा गोल्डन सा कलर आ गया है। इसको एक स्ट्रेनर में निकाल देंगे ताकि सारे एक्सेस ऑयल ड्रेन हो जाए। एंड दैट्स इट, आवर मोस्ट डिलीशियस चिकन टेंपुरा इज़ रेडी टू ईट। डू ट्राई आउट एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक्स। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक शेयर कॉमेंट। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मज़ेदार। Thanks for watching.